नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। साथियों, हरियाणा सरकार दावा करती रही है कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। यह दावा पूर्व की हरियाणा सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2022 और 23 में लगातार करते रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार का भी दावा है कि 2030 तक पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हरियाणा ने यह दावा और आगे बढ़कर किया है कि नई शिक्षा नीति को आगामी 2025 तक प्रदेश में पूरी तरह लागू किया जाएगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा की बात की जाए तो वर्तमान स्थिति यह है कि हरियाणा के सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कुल स्वीकृत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों में से लगभग 3/4 पद रिक्त पड़े हुए हैं। साथ ही हरियाणा के अधिकतर सरकारी विश्वविद्यालयों में ज्यादातर पद खाली हैं। गौरतलब है कि राज्य में 182 सरकारी कॉलेजों के लिए 7,986 स्वीकृत पद हैं, लेकिन इन कॉलेजों में केवल 3,368 नियमित सहायक प्रोफेसर हैं, जिसमें 4,618 पद खाली पड़े हुए हैं। राज्य उच्च शिक्षा विभाग के आकलन के अनुसार कार्यभार को ध्यान में रखते हुए सरकारी कॉलेजों के लिए 8,843 पदों की आवश्यकता है, क्योंकि कई महाविद्यालय नए भी खोले गए हैं। सितंबर 2023 में उच्च शिक्षा विभाग ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि राज्य द्वारा संचालित कॉलेजों के लिए सहायक प्रोफेसरों के कुल स्वीकृत पदों में से 50% से भी अधिक खाली पड़े हैं। शिक्षक भर्ती के मामले में राज्य के विश्वविद्यालयों की तो यह स्थिति है कि पिछले 10 वर्ष से विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है, जिससे शिक्षकों की कमी बनी हुई है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर तो असर पड़ता ही है, दूसरी ओर कार्यरत शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ होने की वजह से विद्यार्थियों को गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के दो सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में सैकड़ों सैकड़ों शिक्षकों के पद खाली हैं। पूर्व में की गई कुछ भर्तियों का आलम यह है कि कई भर्तियों का मामला न्यायालय में चैलेंज है। प्रदेश के मुख्य मुख्य विश्वविद्यालयों में स्वीकृत और खाली पड़े पदों की बात की जाए तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में शिक्षकों के 350 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 150 पद खाली पड़े हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में शिक्षकों के 550 पद हैं, जिसमें से 200 पद खाली हैं। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में 395 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 200 पद खाली हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के सभी 21 विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लगभग 3/4 पद खाली पड़े हुए हैं। हालांकि हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से सरकारी महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के 2,424 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। पहले चरण में यह नोटिफिकेशन अगस्त के प्रथम सप्ताह में किया गया था, जिसके तहत 7 अगस्त से आवेदन आमंत्रित किए गए और जिसकी अंतिम तिथि 27 अगस्त रखी गई थी। इसके बाद दूसरे चरण में इन पदों पर आवेदन करने के लिए दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके तहत 6 नवंबर से 12 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते थे। आवेदन की अंतिम तिथि को 2 सप्ताह बीत गए हैं। अब अभ्यर्थियों को आस बनी हुई है कि भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण कब से शुरू होगा, कितनी जल्दी यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी पर महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया हुआ है। जहां जहां महाविद्यालय शुरू हुए हैं, उन महाविद्यालयों में कहीं भी परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, केवल और केवल अन्य कॉलेजों के लेक्चरर को अतिरिक्त प्रभार सौंप कर काम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्ण रूप से लागू करने का दारोमदार प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों पर है, क्योंकि अधिकतर नए कंपोनेंट इन्हीं शिक्षण संस्थाओं में शुरू किए जाने हैं। जब तक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती नहीं की जाएगी, तब तक आगामी 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने का दावा करना पूरी तरह बेमानी साबित होगा। इसलिए हरियाणा सरकार
और हरियाणा लोक सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्ती प्रक्रिया में और तेजी लानी होगी, तभी हरियाणा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश होगा।